हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 7 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेसन 7 विकास एंड एवोल्यूशन की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत। इसके पहले मैंने जीवन की उत्पत्ति के कई सिद्धांत आप लोगों को बताए थे, जिसमें स्वतः जनन का सिद्धांत, जीव जीववाद उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रलयवाद का सिद्धांत, और इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किनसे हुई है, सौर परिवार, आकाश गंगा, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया। आज हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत ओपेरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उनके अनुसार सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति में परमाणु की उत्पत्ति हुई। हमें पता है कि हमारा ब्रह्मांड 11 नामक गैस के गोले में ब्लास्ट होने के कारण हुआ, जिसे कहते हैं बिग बैंग धमाका। यह गैस का गोला कई टुकड़ों में बट गया, जिस टुकड़े को नेबुला कहा गया, उस नेबुला में ब्लास्ट हुआ। ग्रह प्रारंभ में हमारी पृथ्वी गैस के गर्म गोले की तरह थी। धीरे धीरे जब हमारी पृथ्वी के वातावरण में अणु परमाणु पाए गए, पदार्थ सबसे छोटे कण जिसको हम परमाणु कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के 3 स्तरों का निर्माण हुआ। सबसे मध्य में भारी धातु जैसे लोहा निकल केंद्र में पहुंच गई। इसके अलावा हल्की धातु सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ये मध्य परत का निर्माण किया पृथ्वी का। और इसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, ये सारी चीजें पृथ्वी के बाहरी परत के निर्माण में भाग ली। इस तरह से सबसे पहले पृथ्वी पर जो उसके ठंडे होने पर परमाणु की उत्पत्ति होना शुरू हुई। पदार्थ के सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणु से। सेकेंड पॉइंट में अणु की उत्पत्ति, परमाणुओं के जुड़ने से अब पृथ्वी में परमाणु के हाइड्रोजन के हीलियम के नाइट्रोजन के कार्बन के ये परमाणु अवस्था में थे, और जब एक दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ना शुरू हुए तब ये अणु अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो ये अणुओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। परमाणु से क्या बने बच्चों? पृथ्वी पर अणु बने। फिर थर्ड है सरल यौगिकों का निर्माण। सरल यौगिकों के निर्माण में जब ये अणु आपस में जुड़ना शुरू हुए एक दूसरे से, तब पृथ्वी पर सरल अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे सरल यौगिकों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो जल बनना शुरू हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े तो अमोनिया बनना शुरू। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े तो मीथेन बनना प्रारंभ हुआ। इस तरह से पृथ्वी में धीरे धीरे अणुओं परमाणुओं के जुड़ने से अणुओं के जुड़ने से सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। और इसी सरल या प्रारंभिक यौगिक आपस में जब जुड़ेंगे तब आपका जटिल यौगिक बनना शुरू होगा। अब सरल यौगिकों के जुड़ने के बाद जटिल यौगिकों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जटिल यौगिक में सबसे पहले जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6H2O जल का जुड़ा तो बना C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इस तरह से एक जटिल या बड़े अणु का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब ये बड़े यौगिक जो थे आपस में जुड़ना शुरू हुए तो बनाए माइक्रोस्फीयर। ठीक है बच्चों, सरल यौगिक जुड़ने से जटिल यौगिक बने, यानी बड़े अणु यौगिक के बनना शुरू हुए। जस्ट लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हुआ।
अमोनिया एमिनो एसिड बना नाइट्रोजन के जुड़ने से हाइड्रोजन के जुड़ने से। ठीक इसी प्रकार जटिल यौगिकों के आपस में जुड़ने से माइक्रोस्फीयर बने और माइक्रोस्फीयर के आपस में जुड़ने से कोएसर वेट का निर्माण हुआ। जैसे ही पृथ्वी के पानी में कोएसर वेट के कण बनना शुरू हो गए, ये पानी का पृथ्वी का यहाँ पे उसके माइक्रोस्फीयर के माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़े तो कोएसर वेट बना। कोएसर वेट बनने से उनके चार धीरे धीरे फास्फोलिपिड्स की परत बनने लगी, ये फास्फोलिपिड्स की लेयर बनना शुरू हो गई। अब पृथ्वी के पानी में घुला हुआ जो पदार्थ था वो अलग अलग कणों में दिखाई देने लगा। सबसे पहले माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर के जुड़ने से कोएसर वेट और कोएसर वेट के जुड़ने से आदि जीव का निर्माण होगा। ये आदि या प्रारंभिक प्राथमिक जीव बनना। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, सबसे पहले परमाणु, परमाणु के जुड़ने से अणु बने, अणुओं के जुड़ने से सरल यौगिक बना, सरल यौगिकों के जुड़ने से जटिल यौगिक बना, जटिल यौगिकों के जुड़ने से माइक्रोस्फीयर कण बने, माइक्रोस्फीयर कण जब आपस में जुड़े तो कोएसर वेट बना, कोएसर वेट के जुड़ने से आदि या प्राथमिक जीव का निर्माण हुआ जो विषाणु कहलाए। अब आदि या प्राथमिक जीव पानी में घुले हुए कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके अपना भोजन निर्मित कर रहे थे। धीरे धीरे उनमें और वातावरण के बदलने के कारण विकास हुआ और यह आदि जीवों में अब भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण उनमें क्लोरोफिल बनना शुरू हो गया और अब जीव स्वपोषी जीव कहलाने लगे। जैसे नील हरित शैवाल, काई, पानी में जो काई होती है वो बनना शुरू हो गई और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब स्वपोषी जीव बनने लगे, बदलता हुआ वातावरण लगातार बदल रहा था, जीवों के शरीर में नए नए अंगों का निर्माण हो रहा था और जीव धीरे 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 छोटे जीव से बड़े जीव में विकसित हो गए और आज के वर्तमान जीव का निर्माण हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से आज के वर्तमान जीव बने। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत ओपेरियन अमल वैज्ञानिक ने किया था। ये पढ़ेंगे अपन ओपेरी की संकल्पना। ओपेरी नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरह पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जोड़ने से जल बना, वो जल पृथ्वी में एकत्रित होकर हुआ जिससे कि समुद्र, नदी, तालाबों का निर्माण हुआ और जीवन पृथ्वी के पानी वाले भाग में प्रारंभ हुआ। पानी में सभी अकार्बनिक, कार्बनिक अणु परमाणु घुले हुए सूप की तरह उबल रहे थे, जिसमें परमाणु जुड़ने से अणु बना, अणुओं के जुड़ने से सरल यौगिक बने, सरल यौगिकों के आपस में जुड़ने से जटिल यौगिक या बड़े कण बने और बड़े कणों या जटिल यौगिकों के जुड़ने से माइक्रोस्फीयर बना, माइक्रोस्फीयर के जुड़ने से कोएसर वेट बने और कोएसर वेट के चारों तरफ धीरे धीरे फास्फोलिपिड्स की झिल्ली बनने लगी और वो एक प्रारंभिक कोशिका में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार आदि या प्राथमिक जीव की उत्पत्ति पृथ्वी में प्रारंभ हो गई। तो ये सिद्धांत किसने बताया, ओपेरी नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया। थर्ड टॉपिक है कोएसर वेट। क्या होता है, कितनी बार अभी मैंने आपको समझाया सिद्धांत में कोएसर वेट, किसे कहेंगे कोएसर वेट। तो ओपेरी ने क्या बताया था कि जब परमाणु जुड़े अणु बना, अणु जुड़ने से यौगिक बना, यौगिकों के कणों के जुड़ने से माइक्रोस्फीयर बना, अब माइक्रोस्फीयर कणों के आपस में जुड़ने से कोएसर वेट का निर्माण हुआ, जिसके चारों तरफ ये पूरा सूप था, ये माइक्रोस्फीयर चिपकते गए, अब इनके चारों तरफ फास्फोलिपिड्स की झिल्ली बनी और ये अलग कोशिका दिखाई देने लगी, इसे कोएसर वेट कहा गया। यही विकसित होकर क्या बनाया, आदि या प्राथमिक जीव का निर्माण। लास्ट की कुछ टॉपिक और बाकी है इस चैप्टर की,
ऑक्सीजन क्रांति। तो ऑक्सीजन क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक वातावरण में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती थी, ठीक है। जैसे ही पौधों में स्वपोषी जीव बनना शुरू हुए जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर रहे थे, जैसे नील हरित शैवाल, काई जो पानी में पाए जा रहे थे, तब ये अपना भोजन निर्माण स्वयं करने लगे और इनमें स्वयं भोजन बनने लगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें ये सूक्ष्म पौधे शैवाल काई कार्बन डाइऑक्साइड और पदार्थों को ग्रहण कर रहे थे और ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे थे। अब वातावरण में स्वपोषी जीवों के बनने के कारण ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से वातावरण में उत्पन्न होने लगी। इस तरह वातावरण में ऑक्सीजन के उत्पन्न होने की घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्रांति। अब ऑक्सीजन क्रांति का प्रभाव बताएंगे, क्या प्रभाव पड़ा ऑक्सीजन क्रांति का? प्रभाव सबसे पहले प्रभाव यह हुआ कि वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी, ऑक्सीजन मुक्त हो गई। दूसरा प्रभाव यह पड़ा जल का निर्माण होने लगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ने इससे क्या किया गया? हाइड्रोजन से जल का निर्माण होने लगा। तीसरा जीवों का विकास होने लगा, जीवों का विकास। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कि अब जीव आपसी श्वसन की क्रिया करने लगे, ऑक्सीजन के द्वारा अपने भोजन का आपसीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने लगे। तो कौन सी क्रिया शुरू हो गई? आपसी श्वसन, श्वसन होने लगा जीवों में। तो ऑक्सीजन क्रांति के कारण जब हम हमारे वातावरण ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से मुक्त होने लगी बच्चों, तो ऑक्सीजन मुक्त हुई, जल का निर्माण हुआ, जीवों का विकास होने लगा, जीवों में आंशिक स्वतंत्र की क्रिया होने लगी। और पांचवा उनको शक्ति या ऊर्जा मिलने लगी। इस तरह से ऑक्सीजन का प्रभाव होता। नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्म। सरल है जीवाश्म, फॉसिल्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, जीवाश्म पढ़ेंगे। जीवाश्म, जीवाश्म दो शब्द के से मिलकर बना है, जीव और अवशेष, यानी जीवों का अवशेष जीवाश्म कहलाता है। जब कोई भी जीव मरता है प्रकृति में या पृथ्वी में, तो वातावरण में सूक्ष्म जीव द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा उसका अपघटन हो जाता है और वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश प्रकृति के परिवर्तन के कारण जब कोई जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु है, वो जब मरता है और उसका पूरा अपघटन नहीं हो पाता या उसका पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, तब वो जीव धीरे धीरे तली पर सतह के नीचे दब जाता है और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो कठोर बन जाता है, उसका चित्र मिट्टी में छप जाता है। तो ऐसे जीव के अवशेष के चित्र को या उस जीव के आप विकसित ठोस भाव को जीवाश्म कहते हैं। प्रकृति का सबसे पहला जीवाश्म का नाम आर्कियोप्टेरिक्स है, ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। प्रारंभिक जीवाश्म का नाम आर्कियोप्टेरिक्स है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जीवाश्म में गिने जाते हैं। कोयले का निर्माण कैसे हुआ बच्चों? तो बड़े बड़े जंगल, फर्म के जो वृक्षों के जंगल थे वो दलदल में दब गए, जमीन के अंदर धंस गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी तरह पेट्रोलियम कैसे निर्मित हुआ? तो जलीय जीव जो पानी में रहते हैं उनमें जल से बचने के लिए उनके शरीर में तेल ग्रंथि पाई जाती है। जब वो जीव मरे, तली में जा गए, चट्टानों के नीचे दब गए या रेतों के नीचे दब गए, उच्च दाब ताप के कारण उनके शरीर से तेल रिसने लगा जो चट्टानों के नीचे की तली में जमा हो गया और पेट्रोलियम निर्मित हो गया। लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का अवशेषी अंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं?
और इसके उदाहरण। तो अवशेषी अंग के बारे में अब पढ़ेंगे लास्ट में। किसे कहते हैं अवशेषी अंग? जीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे सारे अंग जो अब वर्तमान में क्रिया विहीन हो गए, मतलब जिनका अब कोई काम नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में हमारे पूर्वज में ये अंग क्रियाशील रहे होंगे, तो ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। यानी वे सारे अंग जो वर्तमान में किसी काम के नहीं है, अवशेष के रूप में उपस्थित है, परंतु प्राचीन समय में ये क्रियाशील थे, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। पहला अकल दाह, हमारे अंदर के जो सबसे अंदर के चकोर चौथे प्रकार के दांत होते हैं जिसको मोलर कहते हैं, जो चौड़े होते हैं उसको अकल दाह कहते हैं। ये अब वर्तमान में इनका उपयोग नहीं है। प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज पेड़ पौधे पौधों की छाल को खाते थे तो उनको चबाने के लिए इसका यूज होता था। दूसरा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत में एक ब्लैडर या ट्यूब के समान आकृति होती है। ये अब इसका कोई काम नहीं है, ये अवशेषी अंग है। प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज कच्चे मांस खाते थे, पेड़ पौधों की छाल पत्तियों को खाते थे, तो उसमें सेलुलोज को पचाने के लिए सूक्ष्म जीव पाया जाता था, वो अपेंडिक्स में होता था। अब वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है। तीसरा है निमेशक झिल्ली। ये आंखों के किनारों पर, बच्चों हमारी आंखों के किनारों पर नाक के पास आंखों के अंदर एक मोटा मांस का टुकड़ा होता है व्हाइट रंग का, इसे निमेशक झिल्ली कहते हैं। ये अब हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, धुआं आ रहा है, हवा आ रही है, तो हम आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स यूज करते हैं या चश्मा यूज करते हैं। ये प्राचीन समय में निमेशक झिल्ली जितना एक चश्मे का काम करती थी। जब हमारे प्रारंभिक जीव जो पृथ्वी के पानी में तैरते रहते थे, आज भी प्रेजेंट टाइम में जलीय जंतु जैसे मछलियों में आंखों में ये झिल्ली पाई जाती है, जो आंखों को कवर करके रखती है ताकि पानी आंख के अंदर ना जाए। तो ये पूर्वजों में क्रियाशील थी, वर्तमान में हमारे शरीर में अवशेषी है। इसके अलावा पुरुषों में स्तन का पाया जाना, पुरुष जो है संतानों को दूध नहीं पिलाते, इसलिए उनमें जो स्तन ग्रंथि होती है वो अवशेषी अंग है। कानों में जो बाल होते हैं अवशेषी अंग है। और हमारे पूंछ की जो हड्डी होती है सबसे लास्ट वाली पूंछ की कशेरुकी, ये भी अवशेषी अंग है। पूर्वज जब हमारे बंदर थे तब ये पूंछ की कशेरुकी शरीर को संतुलन करने का कार्य करती है। तो आज की क्लास आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चों। YouTube वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, इसे सुनेंगे, समझेंगे और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम सेंड करेंगे ताकि आप लोगों का अटेंडेंस लग सके। ओके।